नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, रेलवे की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट ALP का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है इस साल 2024 का, और आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि RRB ALP के लिए अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस हमने आपको बताया था। लेकिन उस वीडियो में काफी सारे कमेंट्स आपके थे, काफी सारे सवाल थे कि सर हमें ये भी बताएं कि ALP की इस वैकेंसी के लिए अगर आप हम अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन से जोन से, यानी कि RRB के कौन से जोन से हमें अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों, इस सवाल का सबसे सरल जवाब हम आपको देंगे ताकि आप जो है अच्छे से अप्लाई कर सकें, और अप्लाई करने में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी हम आपको बताने वाले हैं। काफी लाखों बच्चे अप्लाई कर रहे हैं इस भर्ती के लिए, और हां, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि रेलवे की तरफ से ALP की जो वैकेंसी निकाली गई है इस साल 2024 में, वो काफी कम मात्रा में वैकेंसी है, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है काफी कम है। 5,696 पोस्ट पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि फ्रेंड्स आपके सामने है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन यहां पर जारी किया गया है। यहां पर एक सबसे बड़ा डाउट ये है कि 5,696 पोस्ट पर वैकेंसी है, और पिछली बार जब ये भर्ती निकाली गई थी सन 2018 के अंदर, उस वक्त लगभग 27,000 पोस्ट पर ये भर्ती निकाली गई थी। लेकिन बच्चों का ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार वैकेंसी आखिर में कम क्यों हुई है? आने वाले 5 साल बाद तो वैकेंसी बढ़नी ही चाहिए थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार वैकेंसी फिर से बढ़ा दी जाएगी। जल्द ही आप वेट कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लेकिन आप अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी बढ़ेगी तो इसका सीधा सीधा फायदा आपको मिलने वाला है। तो यहां पर वैकेंसी को बढ़ाया जा रहा है, 16,000 वैकेंसी और यहां पर ऐड की जा रही है, तो 20,000 प्लस आपको वैकेंसी यहां पर देखने को मिल रही है असिस्टेंट लोको पायलट की। लेकिन दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि पिछले बार जब भर्ती निकाली गई थी 2018 में, तो सबसे कम कट ऑफ कहां गई थी? ठीक है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि सबसे कम कट ऑफ कहां गई थी, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं RRB के उस जोन में, ठीक है, और आप जो है सिलेक्शन भी पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे की इस ALP की वैकेंसी के लिए आपको इनमें से कौन से जोन से अप्लाई करने चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, अलग अलग यहाँ पर RRBs हैं, उनके जोन हैं, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं इस साल 2024 की। तो आपको कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहिए वो कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। तो आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को इसकी जानकारी हो और वो भी अच्छे से अपने पसंदीदा जोन पर अप्लाई कर सके। उनको पता होना चाहिए कि कट ऑफ पिछली बार कहां कम गई थी और कहां पर आपको अप्लाई करना है, ताकि आप जो है सिलेक्शन पा सके। ठीक है, तो आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेलवे की नई भर्तियों की अपडेट सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको ALP की भर्ती को लेकर के जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए आपको सीधा वेबसाइट पर लेके चलते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट की तरफ से, यानी कि रेलवे की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट ALP की वैकेंसी आ चुकी है साल 2024 की। 5,600 कुछ वैकेंसीज है जिसकी आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल। दोस्तों, रेलवे ALP की वैकेंसी का सिलेक्शन का प्रोसेस आपके सामने है। CBD बेस आपके स्टेज 2 एग्जाम होंगे, स्टेज 1 और स्टेज 2, ठीक है। उसके बाद आपके मेडिकल एग्जाम होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे। एज लिमिट यहां पर 18 से 30 साल रखी गई है और ICUMA में छूट भी है। एप्लीकेशन फीस यहां पर अदर्स के लिए 500 है, रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 250, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। क्वालिफिकेशन में 10th के साथ ITI होना कंपलसरी है, और डिप्लोमा डिग्री पास भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आवेदन जो है 20 जनवरी से 19 फरवरी 2024 तक चलेंगे। ये सारी बातें हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी, इस बार इसलिए बता रहे हैं ताकि कुछ बच्चों ने अगर ये इंफॉर्मेशन मिस कर दी है तो उनको भी जानकारी हो। दोस्तों, अप्लाई करने का लिंक यहां पर दिया गया है, यहां पर आपको जस्ट क्लिक करना है। आप क्लिक करने के बाद आ जाएंगे RRB के ऑनलाइन पोर्टल पर। आप देख सकते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यह पोर्टल तैयार किया गया है, और यहीं से ही आपको सभी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। यहां पर आप देख सकते हैं, आपको आज की डेट बता रखी है, और यहां पर लिंक है नोटिफिकेशन का, और यहां पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग डेट भी बता रखी है, 19 फरवरी रात के 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का यहां पर लिंक भी दे रखा है। अप्लाई करने से पहले यहां पर जो इंस्ट्रक्शन है उसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। चेकबॉक्स को राइट करके प्रोसीड कर दीजिए, आपके सामने आ जाएगा ये ऑनलाइन फॉर्म, इसे भर के सबमिट कीजिएगा, ठीक है। लेकिन
पिछले वीडियो में हमने आपको इस ऑनलाइन फॉर्म को भरने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया था, लेकिन फिर भी आपके सवाल हैं कि सर हम कौन से जोन से अप्लाई करें। तो ठीक है, नोटिफिकेशन के नीचे ही आपको आना होगा। नीचे ही नोटिफिकेशन में आपको ये सेक्शन मिल जाएगा, आप यहां पर देख सकते हैं पेज नंबर 18 है। ठीक है, पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करेंगे तो पेज नंबर 18 में आ जाइएगा और यहां पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 18 है और यहां पर सेंट्रल लाइन नोटिफिकेशन का नंबर 01/2024 है, जो कि आरआरबीज और जॉन वाइज यहां पर वैकेंसी की डिटेल है एलपी की। ठीक है, तो यहां पर आरआरबी है, जॉन है, आप देख सकते हैं अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, ठीक है, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और त्रिवेंद्रमपुरम। ठीक है, तो इन सभी राज्यों से अलग अलग जोन से ये वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आरआरबी वाइज आप देख सकते हैं, जोन वाइज आप देख सकते हैं और यहाँ पर जनरल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी देख सकते हैं कितनी यहाँ पर रिलीज की गई है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए जनरल से अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल में आप देखिए सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां पर है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज हैं जनरल के अंदर, वो सबसे ज्यादा वैकेंसी आ रही है बिलासपुर में। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये जोन में वैकेंसीज हैं, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं जनरल वाले कैंडिडेट्स, क्योंकि यहां पर वैकेंसी सबसे ज्यादा है। और यहां पर एक और तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, आगे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप मान लीजिए जनरल के अलावा एससी एसटी से अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप एससी से अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है, तो यहां पर वैकेंसी सबसे ज्यादा आती है बिलासपुर में ही। ठीक है, तो बिलासपुर में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। अगर आप इन वैकेंसी को देखेंगे कि यहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी जहां पर भी आ रही है, आप वहीं पर ही अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपकी मेरिट हाई भी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है, कॉमन सी बात है, सभी वहीं पर ही अप्लाई करेंगे और वहां पर मेरिट सबसे ज्यादा हाई आने वाली है। पिछली बार भी यही हुआ था 2018 में, जहां पर सबसे ज्यादा सीट थी वहीं सभी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। तो वहां पर अप्लाई करने के बाद में हुआ क्या, कैंडिडेट ज्यादा गए वहां पर एग्जाम देने, वहां की जो मेरिट थी वो लो बनने की जगह वहां पर सबसे ज्यादा बन गई। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन में आपको साफ साफ बताया गया है कि यहां पर जनरल के लिए 40% मार्क्स आने कंपलसरी है। ठीक है, और यहां पर एससी एसटी के लिए भी अलग अलग से क्राइटेरिया दे रखा है, एससी के लिए 30% है कुछ समथिंग है, एसटी के लिए 25% आने अनिवार्य है। लेकिन ये सब सोचने के बाद में कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया और यहां पर अप्लाई करने के बाद में आपकी मेरिट हाई चलेगी। तो दोस्तों, अगर आपकी मेरिट हाई चली जाती है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको अप्लाई करते समय ध्यान रखना है, जहां पर भी मान लीजिए आप भोपाल में रहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप यहां पर कोलकाता के लिए अप्लाई करना, या फिर मान लीजिए मुंबई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि यहां पर भोपाल में जो है वैकेंसीज कम है। ठीक है, वैकेंसीज कम है, आपका होने का चांसेस कम है, तो आपको बाहर ही अप्लाई करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको बाहर ही अप्लाई करना चाहिए। अब आप मान लीजिए अप्लाई करना चाहेंगे तो आप मुंबई के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर सेंट्रल रेलवे से कुछ वैकेंसीज हैं, तो यहां पर जो है हर एक स्टेट का कैंडिडेट जो है बाहर ही ट्राई करने वाला है, वो अपने स्टेट के लिए ट्राई नहीं करेगा क्योंकि उसको मालूम है वहां पर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको यह भी देखना है कि अगर आप यूपी बिहार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मत कीजिएगा अप्लाई, क्योंकि यूपी बिहार के जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो थोड़े पढ़ाई में काफी अच्छे होशियार होते हैं। तो आपको उन स्टेट को सिलेक्ट करना है जहां पर कैंडिडेट्स पढ़ाई कम करते हैं और नौकरी की बजाय दूसरे काम धंधों में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना होगा कि अगर आप मान लीजिए यूपी बिहार के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अजमेर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राजस्थान के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहां पर अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पर कैंडिडेट्स वैसे ही पढ़ाई करने वाले होते हैं, काफी होशियार होते हैं। अगर वो यहां पर अप्लाई करेंगे तो आप ये मान के चलिए काफी मेरिट हाई आएगी। आपको वहां अप्लाई करना होगा जहां पर आपको लगता है कि यहां पर आपके चांसेस हैं। यहां पर जैसे कि मान लीजिए चंडीगढ़ में अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, आप यहां पर नीचे आ जाइए और भी आप नीचे आ सकते हैं। यहां पर आप साउथ इंडिया की तरफ भी जा सकते हैं, चेन्नई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, सिकंदराबाद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रांची के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर कम वैकेंसीज है आप वहीं ट्राई कीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं कि जहां पर मान लीजिए मुजफ्फरपुर में आप अप्लाई कर लीजिए, वैकेंसी कम है लेकिन यहां पर अप्लाई करने वाले भी बहुत ही कम होंगे। अगर आप यहां पर अप्लाई करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 99% आपका चांस है सिलेक्शन पाने का, क्योंकि वैसे भी इस बार वैकेंसी काफी कम है। अगर मान लीजिए 20,000 वैकेंसी भी होती है तब भी आपके लिए बहुत ही कम वैकेंसी है, क्योंकि करोड़ों की तादाद में ये एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर आने वाली है और यहां पर चांस बिल्कुल नील बटा नील रहेगा। ठीक है, तो आपको सोच समझ के अप्लाई करना। मैं कहता हूं आप सभी को कि अगर आप यहां पर वैकेंसीज को कम देखते हैं तो वहीं अप्लाई कीजिएगा, ज्यादा वैकेंसी अगर आपको दिख रही है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पर अप्लाई मत कीजिएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जहां पर कम वैकेंसी है वहीं आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि वहां पर कोई भी अप्लाई नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार आपको जोन वाइज सेलेक्ट करना है, आपको इस प्रकार सेलेक्ट करके अप्लाई करना होगा। और भी कोई डाउट्स है आपके तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।